हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो रहा होगा। ठीक है, अगर इस प्रिपरेशन के दौरान आपको केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बेझिझक अपना प्रॉब्लम जो है इस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब गाइज चलिए अब हम लोग देखते हैं इस लेसन में बेसिकली हम लोग किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। गाइज इस लेसन में हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम डॉज प्रोसेस। डॉज प्रोसेस जो है आप लोग के क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इस प्रोसेस का पहले मैं रिएक्शन बताऊंगा कि इस प्रोसेस में रिएक्शन क्या होता है और उसके बाद फिर मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपको बता दूंगा। ठीक है, ताकि आपको इसका रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप गाइस यहां तक आपको हर एक चीज क्लियर होगा। और मैं आपको एक और गाइस क्लियर एक और बात क्लियर कर देता हूं कि ये जो डॉज प्रोसेस है ये क्या है, एक इंडस्ट्रियल मेथड है। इसीलिए अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आप बताओ कि फिनॉल को कैसे हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड के थ्रू प्रिपरेशन करते हैं तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। तो आई होप गाइस क्लियर होगा ये सारा चीज। अब चलिए हम लोग आज का टॉपिक लिखते हैं। तो आप लोग भी स्टार्ट करो, टॉपिक लिख लो डॉज प्रोसेस। डॉज प्रोसेस में क्या होता है गाइस कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहां लेते हैं क्लोरोबेंजीन। अब गाइस बहुत सारे स्टूडेंट को अगर ये डाउट आ रहा होगा कि हम लोग क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे बेंजीन से, तो बहुत इजी प्रोसेस है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग सुन के नोट कर लो। सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हम लोग बेंजीन ले लेंगे, बेंजीन का रिएक्शन करा देंगे Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, वहां से HCl निकल जाएगा और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो चलिए ये था हमारा यहाँ पे फास्ट ट्रैक में क्या था, ये हमारा एक स्टोरी था बेंजीन से क्लोरोबेंजीन तक का जर्नी। अब गाइस हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड में सबसे पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं, उसके बाद फिर इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से। और इसमें कितना टेम्परेचर रहेगा गाइस, इसमें रहता है 623 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर कितना रहता है 300 atm प्रेशर। इसके बाद क्या होता है गाइस, इसके बाद ये बना डालता है आपको C6H5ONa, O पे क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, Na पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे क्लियर? अब गाइस क्या हो जाएगा, अब इसका फर्दर फिर हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तब ये क्या हो जाएगा, इस फिर हमें जो डिजायर प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा, वो क्या है हमारा डिजायर प्रोडक्ट, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो ये हमें मिल गया C6H5OH फिनॉल। तो बेसिकली क्या होता है गाइस, ये डॉज प्रोसेस में यही क्या होता है, मेन जो है रिएक्शन अकर करता है। अब चलिए आई होप गाइस यहां तक आप लोग वीडियो पॉज करके रिएक्शन लिख लीजिए, अब हम लोग बात करेंगे इसके मैकेनिज्म पे। तो चलिए अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म में क्या करते हैं गाइस कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, क्लोरोबेंजीन है, अच्छे समझने के यहाँ पे भी हम लोग जानते हैं कि एच बॉन्ड रहता है लेकिन हम लोग जनरली कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे ले लेते हैं ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। अब गाइस क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका एक रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, बेस के साथ। तो बेस क्या करेगा गाइस, ऑब्वियसली बेस क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बेस इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो क्या बना डालेगा आप लोग देखिए, यहाँ पे हो जाएगा Cl रहेगा और गाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब गाइज हम लोग एक और चीज जानते हैं कि क्लोरीन जो है बहुत अच्छा क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो इमीडिएट क्या करेगा, ये सिस्टम से जैसे ही आउट होगा गाइज कि ये कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। आप खुद सोचिए कि ये कार्बन पे प्लस चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ इस कार्बन बन रहा है और इसके नेक्स्ट कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन रहा है, तो क्या ये स्टेबल रहता है कि नहीं। तो ऑब्वियसली क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी हो रही है, तो ये कार्बन क्या करेगा, जिसके पास अच्छा खासा मैक्सिमम अमाउंट मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो अपना शेयर करेगा और फाइनली यहाँ पे क्या करेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब गाइस मैं आपको बार बार एक चीज बताता था क्या, मैं इनिशियली से ही आपको बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, चार पांच जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्या होते हैं गाइस, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, कार्बोकैटायन हो गए, कार्बेनाइन हो गए, कार्बीन हो गए, बेंजाइन हो गए, नाइट्रिन हो गए।
तो गाइस बेसिकली क्या होता है, देखिए इनका नाम इंटरमीडिएट क्यों पड़ा, क्योंकि ये रिएक्शन के क्या हो जाता है, स्टार्टिंग जो हम लोग करते हैं तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये स्टार्टिंग जहां से हम लोग रिएक्शन करते हैं, कोई भी रिएक्शन के स्टार्टिंग क्या होता है वो सब रिएक्टेंट होता है, तो ये रिएक्टेंट में कभी नहीं आएंगे इंटरमीडिएट, और ना ही प्रोडक्ट में आएंगे, ये क्या होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच वाले जो रास्ते हैं ना उसमें आएंगे, इसी कारण इनका नाम क्या पड़ता है इंटरमीडिएट। देखिए आप लोग जनरली मतलब डे टू डे लाइफ में भी वर्ड बोलते हो ना कि इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट क्या है कि मतलब वो बीच बीच वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, चार पांच जो अभी मैंने नाम लिए कार्बोकैटायन बेंजीन ये सब क्या है इंटरमीडिएट होते हैं रिएक्शन के, ये ना स्टार्टिंग में आपको देखेंगे रिएक्टेंट पार्ट में, नहीं प्रोडक्ट पार्ट में, ये बीच में आएंगे। तो गाइस आप खुद सोचिए, और ये क्या होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है कि उनका स्ट्रक्चर ज्यादा देर तक रख नहीं पाते हैं, हाईली अनस्टेबल होने के कारण ज्यादा देर रहते नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या हो जाता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इट मींस क्या हो गया, वैसे कंपाउंड जो रिएक्शन के बीच में आते हैं और काफी हाईली रिएक्टिव होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इस केस में रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन बनेगा, तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन जो है ये निकल गया और यहाँ पे क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो गाइस ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया बेंजाइन, बेंजाइन रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब गाइस क्या होगा कि ये भी क्या होगा हाईली अनस्टेबल होगा, बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल होगा, इसके कारण हम लोग क्या करते हैं इसका जो है अब रिएक्शन हम लोग कराते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड एनायन ले लेते हैं। अब गाइस हाइड्रोक्साइड एनायन लेंगे तो ऑब्वियसली क्या है कि ये ज्यादा स्टेबल रह नहीं पाएगा, तो ये तुरंत इमीडिएट क्या करेगा इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अभी मैं क्लियर कर दिया रिएक्टिव इंटरमीडिएट का टर्म का मतलब क्या होता है, तो गाइस क्या होगा कि यहां से जो ये ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, ये दोनों कार्बन बीच, और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कोई एक कार्बन से ये OH का बॉन्ड बनेगा और कोई एक कार्बन पे क्या हो जाएगा प्लस चार्ज आएगा। तो गाइस इस केस में क्या हो जाता है कि इस केस में ऐसे होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये OH जो है इस कार्बन पे अटैक कर देता है, तो फिर ये फर्दर क्या बनता है आप यहाँ देखें ये ऐसे हो गया ये, और फिर क्या हो जाता है यहाँ पे OH आ गया और इस सेंटर पे क्या आ गया यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब गाइस क्या करते हैं फर्दर हम लोग ले लेते हैं H+ लेते हैं, तो क्या करते हैं प्रोटोनेशन करते हैं, ठीक है। अब प्रोटोनेशन करते हैं तो गाइस क्या हो जाता है यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या H+ है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा सिस्टम से जो ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जब तक कोई भी मॉलिक्यूल क्या रहेगा उसमें प्लस या नेगेटिव चार्ज रहेगा वो स्टेबिलिटी को गेन नहीं करेगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ हम लोग ये चार्ज क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि अगर चार्ज नहीं हटाएंगे तो ये स्टेबल नहीं रह पाएगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो इसी कारण क्या करते हैं चार्ज हटाते हैं, और फिर चार्ज हटाने क्या करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है तो हम लोग एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवा देते हैं, इट मीन H+ के साथ, और फाइनली हमें क्या मिल जाता है फाइनली वी विल गेट C6H5OH, और यही हमारा क्या होता है यही तो हमारा इस रिएक्शन का डिजायर प्रोडक्ट है। तो गाइस ये एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है जिसका नाम क्या है डॉल्स प्रोसेस, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हो, आई होप गाइस आपको मैकेनिज्म का हर एक पार्ट क्लियर होगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अभी जो मैंने फ्रेंड्स मैंने जो वादा किया है कि आपको कंप्लीट क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराऊंगा तो मैं करा के ही रहूंगा, ठीक है। अब गाइस आपको कैसा लग रहा है लेसन, आप प्लीज अपना रिव्यू जो है जेन्यून रिव्यू कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। सो गाइस चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तो सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, ओके बाय।